तो एमएसपी कानून की मांग कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन को जारी रखा है। दिल्ली कूच के आह्वान के साथ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। किसान दिल्ली आने के लिए अभी भी हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा के इंतजामों को बेहद पुख्ता किया हुआ है। का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और 13 फरवरी के बाद 14 फरवरी को भी उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सभी बॉर्डर्स पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए हुए हैं। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं यहां पर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि कितनी भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर आपको बैरिकेड्स की भारी संख्या में जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। सड़क के दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको डंपर बड़ी संख्या में खड़े हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि एहतियात के तौर पर इन्हें यहाँ पर खड़ा किया गया है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो तुरंत उन्हें सड़क के बीच में ब्लॉक करने के लिए लगाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात हैं। साथ ही में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता है और ये भी आप देख सकते हैं कि आधा जो रास्ता है वो ब्लॉक किया हुआ है, सिर्फ आधे रास्ते को खोला हुआ है। अगर हम बात करें तो अभी वाहनों की जो आवाजाही है वो जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो जो सुरक्षा के लिहाज से इसे भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गाड़ियाँ तो दिखाई दे ही रही हैं दिल्ली पुलिस की, इसके अलावा आपको कंटेनर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें लगा के रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है। अहम बात यह है कि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर वो किसान जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो उन्हें उनकी बात को नहीं सुन रही है। अगर सरकार चाहे तो वो आ सकते हैं, दिल्ली में दाखिल होंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके चले जाएंगे, लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है और यही वजह है कि अभी भी दिल्ली के बॉर्डर की बात करें, चाहे हम टीकरी बॉर्डर की बात करें, हम सिंधु बॉर्डर की बात करें या हम गाजीपुर की बात करें, तो यहाँ पर आपको सुरक्षा में कोई भी कोताही बरतती हुई दिखाई नहीं देगी। जैसे 13 फरवरी को जिस तरीके के हालात थे आज भी हालात ठीक वैसे ही बने हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो प्रशासन है वो और भी ज़्यादा जो पुलिस है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है। क्रेन यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं और देखने वाली बात यही होगी कि क्या सरकार से जो बातचीत की कोशिश लगातार की जा रही है क्या वो कोशिश के ज़रिए ये आंदोलन ख़त्म होगा या किसानों का जो आंदोलन है वो आज भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी दिल्ली।